शादी फंक्शन में जाते थे फोटो खिंचवाने से हिचकिचाते थे, अभी जाके जहाँ भी जाते हैं, हाँ भाई फोटो हमारी भी खींचो हमारी भी खींचो ये सब। दोस्तों मेरे साथ बैठे हैं अर्जुन जी, जिन्होंने आज से 6 महीने पहले करवाया था अपना हेयर ट्रांसप्लांटेशन। हेयर ट्रांसप्लांटेशन के बाद आप लोग देख लें और इन्हें पहचान लें कि इनका रिजल्ट कैसा आया। अर्जुन जी आपका स्वागत है चैनल में। अब बताइए साहब जी, आपको कैसा लग रहा है अब ट्रांसप्लांट हो जाने के बाद? बहुत अच्छा फील हो रहा है सर। जब शुरू के अंदर जब ट्रांसप्लांट कराया था तब कैसा फील हो रहा था, अब कैसा हो रहा था, पूरा खुल के बताया बिना डरे बिना सोचे, जैसा हमने पहली वीडियो में बताया था। अभी तो बहुत अच्छा फील होता है सर। ऑडियंस को बताया थोड़ा और। पहले तो फोटो फाटो खिंचाने में भी हिचकिचाते थे, हाँ अभी तो दबा के फोटो वगैरह सब वीडियो अपलोड होती है। वीडियो अपलोड होती है, अच्छा। अच्छा जो ट्रांसप्लांट था उसके अंदर पेन का क्या कितना रोल होता है? पेन नहीं था बिल्कुल भी, बिल्कुल भी नहीं, 0% था, 0% था। और अब जो ट्रांसप्लांट हो गया है तो लोग फैमिली वगैरह फ्रेंड्स वगैरह देखते हैं तो कैसा क्या बोलते हैं, वो क्या कॉम्प्लीमेंट देते हैं, क्या बोलते हैं कि बेकार करवा ले, क्या बोलते हैं, क्या नहीं कहते हैं, अच्छा करवाया है, अच्छा करवाया है, और पूछते हैं कहाँ से कराया है। हाँ तो यहीं का रिकमेंड करता हूँ मैं। तो जब ट्रांसप्लांट बढ़ने में आपने कौन कौन सी मेडिसिन का सहारा लिया? वो 5 दिन की मेडिसिन दी थी यहीं से मिली थी वो, और बाकी यहाँ यहीं से मेडिसिन मिली थी वो, 6 महीने तक वही खाई है बस। अच्छा, बस बाकी वो कुछ और नहीं खाया है बस। अच्छा, और जो 5 PRP मिली थी वो फ्री मिली थी, उसके अलग से पैसे नहीं, वो फ्री थी, फ्री ही थी। हाँ अच्छा, और कुछ बताएं लोगों की भाई अब जिंदगी में क्या चेंज आया है? वो तो जिंदगी में तो बहुत चेंज आया सर। अच्छा, बहुत ज़्यादा चेंज, जैसे बता रहे ज़्यादा क्या सुनेंगे तो वो भी मोटिवेट होंगे कि उन्हें करवाना चाहिए, आपको पता है। पहले शादी फंक्शन में जाते थे फोटो खिंचवाने से हिचकिचाते थे, अभी जाके जहाँ भी जाते हैं, हाँ भाई फोटो हमारी भी खींचो हमारी भी खींचो ये सब छोटा छोटा बहुत बड़ा चेंज होता है सर ये। हाँ, हाँ। फोटो तो पहले होती ही नहीं थी, जब हाँ। भी होते रहे गंजे हम सब, पहले मैं भी गंजे हुआ करता था, मेरे भी सर पे बाल नहीं थे, मैंने भी ट्रांसप्लांट कराया तो मेरे फ़ोन के अंदर भी बहुत लिमिटेड फोटो है जो मैं बार बार पोस्ट करता रहता हूँ, कुछ 10-15 के आसपास होंगी, जबकि फोन कैमरे वाला फोन तो कब का आ गया था, है ना? फोटो होती भी थी तो सर पे कैप होती थी। हाँ, कैप होती थी। और ग्रुप के अंदर फोटो होती थी फ्रेंड्स वगैरह के, तो हम कहते थे ला कैमरा मोबाइल हम खींच दे तुम्हारी फोटो, है ना, ये यही है सर। या फिर बाई चांस हमारी फोटो हो भी गई तो उसे काट के माथे से काट के अपलोड कर देते, है ना, बिल्कुल बिल्कुल। तो अलग अलग तरीके की अलग अलग समस्याएं थी। तो दवाई भी आपको मिली यहाँ पर से, लेकिन वो तो पेड थी, वो पेड थी, 5 PRP फ्री मिली, 5 PRP मेडिसिन फ्री मिली। हाँ। ट्रांसप्लांटेशन हो गया 12 पर क्राउट में। और क्या बताना चाहोगे लोगों को करवाना चाहिए ट्रांसप्लांट या नहीं करवाना चाहिए? करवाना चाहिए, लाइफ चेंज हो जाती है पक्का, बिल्कुल। ठीक है दोस्तों, अगर जो आपको वीडियो पसंद आई है और आप चाहते हैं अपने बालों को ग्रो करवाना तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं उन सभी लोगों के साथ भी जो गंजे हो रहे हैं आपके फैमिली फ्रेंड्स के अंदर। और अगर जो आपको खुद को ये प्रॉब्लम है तो जरूर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें, आप लोगों का ट्रांसप्लांट भी लिमिटेड रुपीस के अंदर हो जाएगा, जिससे आपको मिलेगी बहुत अच्छी डेंसिटी और बहुत अच्छा रिजल्ट।